जांजगीर से। जांजगीर चांपा जिले में शिवसेना के जिलाध्यक्ष ओंकार सिंह गहलोत के नेतृत्व में शिव सैनिकों ने आबकारी विभाग व कलेक्टर को ज्ञापन सौंप। ओंकार सिंह ने बताया कि जांजगीर मुख्यालय में देशी व अंग्रेजी शराब की दुकान है संचालित हो रही है, जो कैरा रोड मुख्य सड़क पर संचालित है। बता दें कि जहां अंग्रेजी शराब दुकान संचालित हो रही है, वहां सड़क की चौड़ाई कम है तथा शराब दुकान के पास सड़क किनारे छोटे छोटे ठेले पर चकना दुकान है, जिससे मुख्य सड़क में जाम हो जाता है, जिससे आम जनता को आने जाने पर काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। ओंकार सिंह ने बताया कि महिला एवं बाल विकास कार्यालय, कन्या महाविद्यालय, विद्युत विभाग कार्यालय शराब दुकान के समीप है, जिससे महिलाओं व आम लोगों को विभाग में आना जाना लगा रहता है। साथ ही देशी शराब दुकान में समीप बस स्टैंड है, जहाँ से बसों की यात्री सफर कर रहे हैं, जिसके कारण आए दिन शराबियों से वाद विवाद होता रहता है, जिससे किसी बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी रहती है, जिसे शिवसेना के द्वारा कलेक्टर और आबकारी विभाग को ज्ञापन सौंपा गया है। कलेक्टर में और आपका विभाग में ज्ञापन सौंपा गया, किस विषय को लेकर ज्ञापन? ये जांजगीर जिला मुख्यालय में केरा रोड में जो अंग्रेजी की शराब दुकान और देसी शराब दुकान जो नया बस स्टैंड के पास जो संचालित हो रही है, अंग्रेजी शराब दुकान के पास ही आपका कन्या महाविद्यालय संचालित है, वहीं पे महिला बाल विकास की परियोजना कार्यालय संचालित है और आपके चर्च से ही रोड की जो चौड़ाई है वो कम है। और उसी प्रकार देखा जाए कि देसी शराब दुकान के पास ही बिजली ऑफिस है और बस स्टैंड है, जहाँ पे महिलाएं भी बिजली ऑफिस में बिजली के बिल जमा करने जाते हैं। यहाँ कन्या महाविद्यालय में सारी बच्चियां पढ़ने जाती है और महिला बाल विकास जो परियोजना कार्यालय है उसमें सब महिलाएं ही जाती हैं। और रोड सक्रिय होने के कारण लगातार शराब प्रेमियों की भीड़ जो बना रहता है और इसके कारण हर हमेशा विवाद की स्थिति बनती है और ये जो इसे बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो हम इन सब मांग को लेकर के माननीय कलेक्टर महोदय और आबकारी विभाग को ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन सौंप के हमने ये मांग किया है कि ये जो शराब की दुकान है उसको